बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन और प्रोग्राम है बदल रहा है पाकिस्तान में हुआलिया के असर। और आज की इस एपिसोड में हम बात करेंगे किस तरह से मौजूदा हुकूमत टूरिज्म के जरिए से पाकिस्तान को मजीद मुस्तहकम कर रही है। दुबई पवेलियन का तस्करा हो या पाकिस्तान के अपने अंदर बैनुल अक्वामी सयाहों को यहाँ पर लाने की बात, इस वक्त मौजूदा हुकूमत का खुसूसी फोकस है कि सियाहत को फरोग दिया जाए और सियाहत के जरिए से जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर बसने वाले लोगों की ज़िंदगी को भी बेहतर बनाया जाए, रोज़गार के मौके भी उनको मैसर आएँ और नौजवानों की ज़िंदगी को भी बेहतर किया जाए। इस पर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे और बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है एडवाइज़र हैं टू CM पंजाब पार्क्स एंड हार्टिकल्चर एंड टूरिज़म आसिक महमूद साहब ने, उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि किस तरह के ख़ास तौर पर इकदाम या इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं पंजाब के लिए और ओवरऑल पाकिस्तान के लिए, क्या मुश्किलात हैं, क्या चैलेंजेस हैं और क्या आसानियां हैं। इकदामात ले रही है लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूं, आप हाल ही में दुबई एक्सपो से भी होकर आए हैं, वहां का अहवाल हमें बताएगा और ये बताएगा कि पाकिस्तान के अपना वो एक पुरम और एक सियाहती डेस्टिनेशन के तौर पर जो इमेज है वो दुनिया तक ले जाने में कामयाब होता है। देखें, एक तो बुनियादी तौर पे जिस तरह का टूरिज्म का पोटेंशियल पाकिस्तान के अंदर है और जिन लोगों का एक्सपोजर है फॉरेन में जाने का, उन्हें इस चीज़ का इदराक भी है कि जिस तरह का वेदर अल्लाह पाक ने हमें दिया और जितना डाइवर्सिटी हमारे पाकिस्तान के टूरिज्म में है शायद ही दुनिया के किसी खत्े में हो। इशू ये था कि ये माजी के अंदर टोटली ये सेक्टर इग्नोर रहा, कुछ हमारे डायनामिक्स ऐसे रहे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस ऐसी रहीं, लेकिन अब अल्लाह के फजल से क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस भी इम्प्रूव हो गई हैं, उसके साथ साथ जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है मेनली उनके विजन के अंदर जो दो तीन सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जो उनके दिल के करीब हैं उनमें से एक टूरिज्म है। और पंजाब में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक तो प्लांटेशन ड्राइव्स हमारी प्राइम मिनिस्टर के बिल्कुल टॉप प्रायोरिटीज़ में से, और दूसरा टूरिज़म है, दोनों पोर्टफोलियोज़ अब मेरे पास हैं तो मुझे उस चीज़ का अंदाज़ा भी है। और मैं क्योंकि सामने फेस भी करता हूं प्राइम मिनिस्टर, एवरी वन मंथ एक मीटिंग लेते हैं जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई हुई है हमने टूरिज्म के ऊपर, तो उसके ऊपर जितना उनका फोकस है और बड़ा टारगेट ओरिएंटेड हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं और उसकी बाकायदा प्लानिंग के साथ कर रहे हैं और टास्क और टाइम लाइन्स के साथ कर रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर का पूरा फोकस है कि विद इन ये हमारे इस गवर्नमेंट के टेन्योर के एटलीस्ट हम जो मेजॉरिटी साइड्स हैं उनको डेवलप ना भी कर सकें तो एक डायरेक्शन हम ऐसी सेट और तायुन कर जाएं कि जो पोटेंशियल है वो कम से कम उसको हम यूटिलाइज करना शुरू कर दें। ठीक, अच्छा, अगर हम एडवाइज़र हैं आप चूंकि इन मामलात के ऊपर और सियाहत के मामलात के ऊपर पंजाब के हवाले से बात करते चलें खास तौर पर, तो पंजाब में अमूमी तौर पर जब सियाहत का तस्करा किया जाता है तो बड़ी एक खुश्क सी ज़मीन आती है, क्योंकि जब भी हम टूरिज़म की बात करते हैं नॉर्दर्न एरियाज आते हैं, हरियाली, बर्फ़ और इस तरह की चीज़ें, तो पंजाब में क्या इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, कौन कौन से मकामात हैं जिन पर काम किया जा रहा है, आने वाले वक्त में किस तरह का पंजाब हमें टूरिज्म के हवाले से दिखाई दे? देखिए, एक तो पंजाब के टूरिज्म की जब बात आती थी तो बींग मेरा, क्योंकि पिंडी की मेरी पैदाइश है और मैं भी बचपन से ये सुनता आया हूँ कि मरी एक ऐसी जगह है जहाँ पे सारा टूरिज्म पंजाब का बसता है, तो एक तो बुनियादी तौर पर हमारे लिए चैलेंज ये था कि जितना ये साल्ट रेंज का एरिया, मैं समझता हूँ कि किसी भी डेवलप कंट्री के अंदर होता, जहाँ पे इस वक्त आप भी मौजूद हैं, ये किसी डेवलप कंट्री के अंदर होता तो उसकी इकॉनमी जो है इस खित्ते के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती, क्योंकि इसमें इस कदर पोटेंशियल है। अगर आप हिस्टोरिक पॉइंट ऑफ व्यू से जाएँ, हेरिटेज, रिलीजियस टूरिज्म, उसके साथ साथ सीनिक ब्यूटी,
वाटर स्पोर्ट्स का यहाँ पे बहुत बड़ा पोटेंशियल मौजूद है। तो ये सारे चैलेंजेस थे जिनको सामने रखते हुए हमने, मैं चीदा चीदा दो तीन चीज़ें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हाईलाइट कर देता हूँ। एक तो हमने पंजाब को तीन जोन्स में डिवाइड किया, एक जो नॉर्थ जोन जिसमें आज आप लोग यहाँ पे उसको शूट भी कर रहे हैं, तो इसमें मरी के साथ हमारे बिल्कुल एक कोटली सतियाँ की तहसील है, रावलपिंडी की तहसील है, बिल्कुल इक्वली पोटेंशियल एरिया है मरी का, और उसके बिल्कुल एडजेसेंट है कोटा की एक यूनियन काउंसिल नड़, जहाँ पे एक पंच पीर रॉक्स एक बड़ी खूबसूरत जगह है, उस पर हमने एक टूरिज्म हाईवे का प्रोजेक्ट अप्रूव करवा लिया और टेंडर हो गया, उस पर काम की एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगी। मेनली ये था कि हमारा उसमें जो आइडिया हमने जनरेट किया वो ये किया कि जैसे आपके टूरिस्ट मरी जाते हैं, वहाँ पे बेहंगम रश होता है, वहाँ पे प्लानिंग नहीं है, इश्यूज आते हैं टूरिस्ट को पैदर पे, ऐसे वाकयात होते हैं, उसकी बुनियादी वजह ये है कि मास्टर प्लानिंग तो है नहीं वहाँ पे। कोई भी ओकेजन आएगा वहाँ पे रोड्स बिल्कुल जैम पैक हो जाती हैं, होटल्स में अकोमोडेशन नहीं मिलती, फिर टूरिस्ट से बदतमीजी के वाकयात इसी वजह से जन्म लेते हैं क्योंकि ओवर क्राउडेड होता है। तो डाइवर्ट करना उन टूरिस्ट को कि अगर कोई मरी जा रहा है तो उसको अल्टरनेटिव हिल स्टेशन भी हम उसके साथ साथ दें, तो कोटली सतियाँ जो है बड़ा खूबसूरत इलाका और बिल्कुल इक्वली पोटेंशियल एरिया है। उसकी कनेक्टिविटी का मेन इशू था कि उसकी कनेक्टिविटी उस तरह से आइडियली नहीं थी, और उसको लिंक अप किया हमने कहूटा की यूनियन काउंसिल नाड़ के साथ। ये पांच तहसीलें जो हैं ये आपस में कनेक्ट होंगी, पिंडी मरी कोटली सतियाँ कहूटा और कलर सईदा, और देन ये रोड आके निकलेगा आपका इस्लामाबाद और लाहौर जीटी रोड के ऊपर, जिससे मैं समझता हूँ कि टूरिस्ट को जो को मरी जा रहा है उसने अगर वापस आना है तो वापसी पे अगर वो टूरिज्म हाईवे से अपना रूट लेगा तो उसको एक तो नई साइट्स देखने का मौका मिलेगा, नई जगह देखने का मौका मिलेगा, और उससे दूसरा उसका फ़ायदा ये होगा कि मरी पर से बर्डन काफ़ी हद तक उससे कम होगा। उस ना सिर्फ हम यहाँ पे रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, हमने वहाँ पे साइनेज पब्लिक फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करने की हमारी डेवलपमेंट स्कीमें अभी ऑन गोइंग हैं चल रही हैं, उसमें से 80% काम हमने कम्प्लीट कर लिया। अब अगला जो फेज़ है वो कल हमने दुबई एक्सपो के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस के अंदर कोटली सतियाँ की एक कम्प्लीट कम्प्रीहेंसिव फिजिबिलिटी स्टडी वहां पे पेश की है प्राइवेट इन्वेस्टर को, और हमारी जो पहली टूरिज्म पॉलिसी है वो भी यही कहती है कि प्राइवेट सेक्टर को हमने इन्वॉल्व करके वहां पे डिफरेंट किस्म के होटल्स और एंटरटेनमेंट की फैसिलिटीज वहां पे प्रोवाइड करनी है लोगों को। उसके बाद ये साल्ट रेंज का आप इलाका जहाँ पे जिसमें जेलम चकवाल आपका मियाँ वाली खुशाब ये चार अजला इसमें आ जाते हैं और ये भरपूर है अगेन पोटेंशियल से भरपूर। झेलम में अगर आप देखें रोहतास फोर्ट एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, टिल्ला जोगियाँ एक झेलम की हिल स्टेशन है, और उसके साथ साथ वहाँ पे बड़े पुराने हिंदू टेम्पल्स हैं, और उसकी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हेरिटेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ी इंपॉर्टेंस है। रोहतास को हमने 22 किलोमीटर की जीपेबल ट्रैक के साथ लिंक अप कर दिया, आप रोहतास अगर कोई विजिट करना जाए तो उसके लिए बड़ा इजी एक्सेस है, वो टिल्ला जोगियाँ जा सकता है, इससे पहले ये पैदल हाइक थी 6 से 7 किलोमीटर। अच्छा, जैसे आपने नाम लिए, हम भी आज यहाँ पर मौजूद रहे कलर कहार, और फिर खासतौर पर अगर हम बात करते चलें कटास राज का, वहाँ पर जो सतगड़ा मंदिर है उस पर भी हमने जाके बाकायदा तौर पर जो विजिट किया और वहाँ की जो तारीख है उसको देखा, फिर आगे जो मुख्तलिफ किस्म की झीलों का तस्करा यहाँ पर किया जा रहा है, सोन वैली का भी हम दौरा करेंगे, और फिर ज़ाहिर है वहाँ के भी जो मुख्तलिफ मकाम हैं उनका तस्करा किया जाएगा। आप क्या समझते हैं कि क्या टूरिज्म के हवाले से जो हुकूमत इकदाम ले रही है उसका इदराक आलमी सतह पर लोगों का हो रहा है या उसके लिए भी अलग से कुछ काम करने की जरूरत है? इसी साल्ट रेंज के ऊपर अगेन झेलम के अंदर पिंड दादन खान में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एक प्रोजेक्ट की इनॉग्रेशन की जिसको हमने अलबेरूनी हेरिटेज ट्रेल, और ये अलबेरूनी हेरिटेज ट्रेल नंदना फोर्ट एक जगह है जहाँ पे 1000 साल पहले अलबेरूनी ने तकरीबन 1000 साल पहले जमीन का सरकमफ्रेंस मैयर किया। तो मैं समझता हूँ कि ये न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर इसके ऊपर पूरा आर्टिकल आया था। अब उस जगह को हम डेवलप कर रहे हैं और उस पर भी 30-40% काम हमारा हो गया, तो जाहिर है ये वो ग्लोबली उसकी एक इम्पॉर्टेंस है, पाकिस्तान के लिए नहीं है। तो जब ऐसी चीज़ें आपके पास पोटेंशियल मौजूद है, जब डेवलप नहीं होंगी तो जाहिर है किसी को पता नहीं होगा। तो अब जब चीज़ें डेवलप हो रही हैं तो पहला तो हमारा टारगेट ये है कि जो डोमेस्टिक के साथ साथ जो हमारा ओवरसीज पाकिस्तानी है, जो अगर लेट्स सपोज यूरोप से आता है तो रस्ते में दुबई रुक के तो अपनी हॉलीडेज वहाँ स्पेंड करता है और अपने रिलेटिव्स को मिलने मिलाने के लिए यहाँ पे आता है, और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान जैसा खूबसूरत अगर मुल्क होते हुए हॉलीडेज और पैसा, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में ये कहेंगे वहाँ पर स्पेंड कर गए और यहाँ पर सिर्फ अपने अजीज़ों से मिलने के लिए आते हैं, तो वो हमारा एक टारगेट मार्केट है कि जिसको हमने ओवरसीज पाकिस्तानी को यहाँ पर ऐसी फैसिलिटीज़ पहले फेज़ में देनी है कि जो बजाय दुबई या किसी ऐसी जगह पर रस्ते में रुक के अपनी हॉलीडेज स्पेंड करें वो पाकिस्तान
के अंदर आएं और जो खूबसूरती है हमारी शुमाली इलाका जात की और खसूसन जो पंजाब के ऊपर हेरिटेज और रिलीजियस टूरिज्म का पोटेंशियल और सीनिक ब्यूटी का पोटेंशियल है वहाँ पे अपनी फैमिलीज के साथ आके इंजॉय कर सकते। किस तरह के चैलेंजेस आप समझते हैं कि हुकूमत को जो अहदाफ हासिल करने हैं खासतौर पर सेहत के हवाले से इस वक्त दरपेश और उन पर कैसे काबू पाएं? देखें, एक तो बुनियादी तौर पर ये सेक्टर तो टोटली इग्नोर रहा है। ये टूरिज्म सिर्फ एक डिपार्टमेंट का काम नहीं होता, ये एज अ होल एक गवर्नमेंट का एक पूरा प्लान, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर उसको नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी उसकी बनी, लेकिन डिपार्टमेंट्स की ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा थी, उसके साथ साथ लोगों का जो लोगों के अंदर उस तरह से अवेयरनेस नहीं है हमारी हेरिटेज बिल्डिंग की इंपॉर्टेंस के हवाले से, दूसरा लिटरिंग का और इस तरह की चीज़ें हमें बहुत सारी फेस करनी पड़ती हैं। तो इन सारी चीज़ों को कैटर करने के लिए पंजाब गवर्नमेंट जो है वो इवन के हमने बीच में वर्ल्ड बैंक को भी अपने साथ इंक्लूड किया हुआ है। हमारे इस वक्त पंजाब भर में को मोर देन 50 प्रोजेक्ट चल रहे हैं और जिसमें ये सारी चीज़ों को हमने पहले प्लान आउट किया, हमने पॉलिसी एंड पे काम किया, लेजिस्लेशन किए हैं, टूरिज्म एंड हेरिटेज अथॉरिटी बनवाई है, पॉलिसी पहली पंजाब की टूरिज्म दी, तो जहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद ही नहीं था तो बिल्कुल जीरो से बल्कि माइनस से उसको जब स्टार्ट लें तो गवर्नमेंट सेक्टर के या पब्लिक सेक्टर के अंदर जब चीज़ों को एग्जीक्यूट आप करने जाते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है। तो उस फेज़ में से हम गुजर गए, अब हम एग्जीक्यूशन के फेज़ में हैं और जिस रिजॉर्ट के ऊपर अभी आपकी पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है, आप ये देख लें कि पब्लिक सेक्टर के रिजॉर्ट्स बड़े अनफॉर्चुनेट रहा कि माजी के अंदर सिर्फ लीड कम्युनिटी की इंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल होते रहे और वो मेंटेन नहीं होते थे। अब इसकी मेंटेनेंस आप देख लें, यहाँ का एनवायरनमेंट आप देख लें तो आपको अंदाज़ा होगा कि प्राइम मिनिस्टर इसको खुद ज़ाती तौर पे मॉनिटर कर रहे हैं और चीज़ें काफ़ी इंप्रूव हो रही हैं। ठीक है, जो इंटरनेशनल ओवरसीज पाकिस्तानी नहीं है लेकिन बैरून मुल्क से आने वाले दीगर सयाह हैं, आप क्या समझते हैं कि उनके लिए हमें क्या इकदाम लेने होंगे, किस तरह के इस तरह की डेस्टिनेशंस जो हैं उनको हमें बनाना पड़ेगा कि जो उनको अट्रैक्ट कर सके पहले से ज़्यादा? देखें, एक तो सबसे बड़ी इन दिनों सक्सेस है, मैं समझता हूँ कि जो जिन लोगों ने पर्सनली देखा है पाकिस्तान पवेलियन दुबई एक्सपो के अंदर, उसके डिज़ाइनर, उसके मैं समझता हूँ कि जितने एग्जीक्यूटर हैं उस प्रोजेक्ट के और जितने स्क्रिप्ट राइटर हैं जिन्होंने कंटेंट अंदर चलाया, वो उनको अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए कि जब आप वहाँ पे जाते हैं और जिस अंदाज से आपके पवेलियन के अंदर रश होता है, छठे नंबर पे इस वक्त ये मोर देन 200 पवेलियन है दुबई एक्सपो में पाकिस्तान पवेलियन इन टर्म्स ऑफ फुटफॉल, तो आप इससे अंदाज़ा लगाएंगे। और मैं खुद वहाँ पे अभी 4-5 दिन में रहा हूँ और मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं उस पवेलियन के अंदर रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी कम्युनिटी से ज़्यादा इंडियन और जो फॉरनर्स हैं वो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे। तो इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है। जो सबसे बड़ा चैलेंज, जिस तरह मैंने आपको ये कहा था कि थोड़ा सा एक परसेप्शन जो हमारी पाकिस्तान का जो एक सॉफ्ट इमेज, जो एक्चुअल इमेज है, वो पब्लिक इंटरनेशनल कम्युनिटी तक नहीं जा पा रहा था, तो उसको बड़े अच्छे तरीके से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का एक अपना एक फेम भी है, उनकी अपनी एक क्रेडिबिलिटी भी है, उनकी पर्सनैलिटी भी है और उनको लोग सुनते भी हैं, तो वो उनकी वजह से उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ा और अब काफ़ी फॉरेन टूरिस्ट भी पाकिस्तान का विजिट कर रहे हैं। फॉरेन टूरिस्ट के साथ हम बात कर लेते हैं, हॉस्पिटैलिटी की जो इंडस्ट्री है उसमें यंगस्टर्स जो हैं, किस तरह की ट्रेनिंग्स आप समझते हैं कि बहुत ज़रूरी है कि यूथ को एंगेज किया जाए हॉस्पिटैलिटी के शोबे में, ताकि हम बाहर से आने वाले लोगों के लिए अपने लोगों को तैयार कर सकें और मेशत जो है वो मजबूत हो? देखिए, एक तो कामयाब जवान जो प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान चला रहे हैं और टेवटा हमारा पंजाब के अंदर उसको टेकअप कर रहा है और हॉस्पिटैलिटी के हम डिफरेंट कोर्सेज ना सिर्फ उसके ज़रिए करवा रहे हैं, 3000 से ज़ायद यंगस्टर्स को हमने इस पर ऑलरेडी हम TDCP ने इस पर कोर्सेज करवाए भी हैं विद हेल्प ऑफ टेवटा, और उसके साथ साथ पंजाब यूनिवर्सिटी में भी अब हमने इस पर, क्योंकि बेसिकली तो देखें जो स्टूडेंट है जब अपना कैरियर वो इस्टेब्लिश करने जाता है तो उसका स्कोप देख रहा होता है कि उसका स्कोप क्या है, तो ऑब्वियसली जब आप टूरिज्म को डेवलप कर रहे हैं, सबको नज़र आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर के जो है की प्रायोरिटीज़ में से एक ये है, तो उसमें यंगस्टर जो हैं वो इंटरेस्ट भी ले रहे हैं और दूसरा हम भी ये चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर बड़ी स्मार्ट सी ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रोफेशनल्स हों, यंगस्टर्स हों जो आएँ जो इन चीज़ों को रेगुलेट करें और प्राइवेट सेक्टर आ गया है, बिजनेस कम्युनिटी आ गया है जो इन चीज़ों को डेवलप करे और रन करे। ठीक है, जो कोऑर्डिनेशन है मुख्तलिफ सूबों के दरमियान वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी है सियाहत को फ़रोग देने के लिए? कोऑर्डिनेशन कमेटी तो आपकी मौजूद है, उसके हवाले से या पॉलिसी के हवाले से भी आप काम करें, थोड़ा सा उसके हवाले से भी आगाह कीजिएगा और आगे फ्यूचर में किस तरह से सूबे मिलकर काम करें जिससे एक दूसरे के टूरिज्म को फरोग। देखिए, एक तो बुनियादी चीज़ है कि टूरिज्म पूरे मुल्क का होता है, सूबों का नहीं होता, तो मेरी ये ज़ाती राय है कि ये जो आफ्टर 18th अमेंडमेंट ये चैप्टर डिज़ोल्व हुआ, इसको डिज़ोल्व नहीं होना चाहिए था, लेकिन जब हो गया
तो सूबों ने इसको अडॉप्ट नहीं किया हुआ था। हमारी गवर्नमेंट से पहले किसी सूबे ने उन लॉज को ही अडॉप्ट नहीं किया हुआ था। एक पीटीडीसी है इदारा हमारा वफाक का, वो जैसे तैसे चीज़ों को चला रहा था। तो अब तो चीज़ें पंजाब ने तो उन लॉज को ना सिर्फ अडॉप्ट किया है, 1976 के बाद पहली दफ़ा हमने लेजिस्लेशन की और उन चीज़ों को हमने टेकअप कर लिया। हमने अपना डिपार्टमेंट ऑफ जो टूरिस्ट सर्विसेज है, जिसने ज़ाहिर है टूरिस्ट के लिए पीएम ने रिजॉर्ट्स की इन होटल्स की मॉनिटरिंग करनी है, ओवरसाइट करनी है, तो जब वो स्ट्रक्चर ही मौजूद नहीं है, टोटल चार एम्प्लाइज थे जो हमारे पंजाब में, तो अब हमने उसकी कैपेसिटी इन्हेंस की है। वो तकरीबन हमारे 3 रीजन्स के अंदर उनके ऑफिस इस्टेब्लिश हो गए हैं और वो फील्ड ऑफिसर जो हैं वो जाते हैं, विजिट करते हैं और इससे चीज़ें ग्रेजुअली इंशाल्लाह इम्प्रूव होंगी। आप क्या समझते हैं कि फ्यूचर में हम उस तरह से अपनी मैशत को मुस्तहकम कर सकते हैं सिर्फ सियाहत को फरोग देते हैं? एक महीने के बाद खुद प्राइम मिनिस्टर इस पर मीटिंग लेते हैं और हर मीटिंग के अंदर हमें टारगेट मिलता है और फिर अगली मीटिंग के अंदर वो उसकी रिपोर्ट पूछते हैं हमसे। तो जिस तरह से, जिस स्पीड से वो चल रहे हैं, अल्लाह ने इन्हें दोबारा मौका मिल दिया तो इंशाल्लाह ये चीज़ें 100% पे जाएंगी। अदरवाइज ये मैं इंश्योर करवा रहा हूँ आपके चैनल के तवसुत से कि हमारी इस गवर्नमेंट के टेन्योर के एंड होने तक हम एटलीस्ट पंजाब को, क्योंकि मैं खुद देख रहा हूँ आपको कई नए स्पॉट्स यहाँ पे ऐसे मिलेंगे, आपको साउथ पंजाब से उठ के मरी नहीं आना पड़ेगा। साउथ पंजाब के लिए फोर्ट मनरो मौजूद है, वो भी एक हिल स्टेशन है। इसी तरह ये जो हमारे ये अजला हैं वो सून वैली खुद एक सीनिक ब्यूटी, झेलम में बहुत बड़ा पोटेंशियल है, 37 से ज़ायद साइट तो सिर्फ झेलम के अंदर है। चकवाल जहाँ पे हम बैठे हैं, ये झीलों का शहर, लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब इसको आप कह सकते हैं, 26 से ज़्यादा झीलें तो यहाँ पे हैं, वाटर स्पोर्ट्स का पोटेंशियल यहाँ पे है। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह हम चीज़ों को लेके चल रहे हैं, आने वाले 1-8 साल के अंदर ये आपके टूरिस्ट को यहाँ पे बहुत बेहतर फैसिलिटीज़ मिलेंगी। और आखिर में सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो टूरिस्ट है इट्सेल्फ, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हम हुकूमतें तो इकदाम ले लेती हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स भी काम करते हैं, लेकिन क्या हमारे लोग टूरिज्म के हवाले से बीइंग अ टूरिस्ट वाकिफ़ हैं कि उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, उनको क्या करना चाहिए? जो मेन चीज़ है कि आपकी जो एनवायरनमेंट है इसको जो डिस्टर्ब करती है वो हमारी लापरवाही है, उससे बाहर निकले। और गवर्नमेंट जो है वो तने तनहा कुछ नहीं कर सकती जब तक कम्युनिटीज़ उनके साथ इन्वॉल्व ना हो। तो इसके ऊपर हम सेमिनार्स भी कंडक्ट करवा रहे हैं, ट्रेनिंग सेशंस भी, अपने स्टाफ की भी ट्रेनिंग पैदर पैदर करवा रहे हैं, लेकिन चीज़ें काफ़ी हद तक अब इम्प्रूव हो गई हैं। फिर मीडिया का इसमें बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल है, तो मैं चाहूँगा कि मीडिया चैनल जो हैं इन चीज़ों को हाईलाइट करें जो पाकिस्तान का टूरिज़म पोटेंशियल है। पोलिटिकल टॉक शोज़ के साथ साथ इन चीज़ों को भी ज़रूर हाईलाइट करना चाहिए। बहुत शुक्रिया असफ महमूद साहब, हमारे साथ मौजूद रहे और आपने इन डिटेल जो है इस पर बात की। यकीनन मौजूदा हुकूमत इस वक्त जो इकदाम ले रही है उनसे आगाही देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आसिफ महमूद साहब का कहना यह है, बहुत ज़्यादा पुरुद भी है कि आने वाले चंद साल ना सिर्फ मौजूदा हुकूमत अपने टूरिज़म के हवाले से, सेहत के हवाले से अहदाफ हासिल कर लेगी, बल्कि पाकिस्तान के अंदर जो टूरिज़म का पोटेंशियल है उसको हम दुनिया तक बेहतरीन अंदाज में ले जाने में भी कामयाब होंगे। अब तक के लिए